कि 36 बिरादरी एक होकर 3 तारीख को हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोट भाई। दूसरी पार्टी वाले भी आएंगे शायद आ जाए कोई तो कोई आ भी जाए तो भाई मेरे 5-4 सवाल है कि उनका भी हक वोट मांगने का वहां तो पूछ लियो 5-7 साल। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हरियाणा में 8 साल हो गए। तो पहले मैं किसान भाइयों की बात करता हूँ, उनसे ही पूछियो और आपसे भी मैं पूछता हूँ, किसी ने पता हो बता दियो, इन 8 साल में किसानों का कोई एक भी हित का फैसला लिया है सरकार ने? एक भी? हमारे समय में खाद पर टैक्स नहीं था, बीज पर टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पे टैक्स नहीं था, डीजल हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था हरियाणा में। अब क्या भाई डीजल का भाव और क्या खाद का भाव है, क्या बीज का भाव है, आप खुद देख लो। मतलब ये है 8 साल में किया क्या इन्होंने, लागत तो बढ़ा दी किसान की, आमदनी घटा दी। आमदनी कहां तक, एमएसपी भी नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, बाजरे की एमएसपी 22-23 रुपए है। आज पोर्टल चलाते हैं, खरीद नहीं करते, बस बंद करते हैं खरीद, तो बाजरे का भाव किसान को तो 16-17 सौ मिलता है, घाटा किसान का। आप कोई देख लो,